दो चक्रवाती तूफान से पहले मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ सांचौर सिटी का दृश्य है। सांचौर सिटी के हालात अभी क्या है, विपरीत तूफान के आने से पहले सांचौर सिटी के क्या हालात हैं। सांचौर सिटी की बात करें तो अभी धूल भरी आंधियां चल रही है। अब आगे देखिए सांचौर सिटी के क्या हालात है, मैं आपको सिटी का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सांचौर सिटी के रहने वाले तमाम बाहर दर्शक उन तक सांचौर सिटी के बारे में जानकारी पहुंच सके। सांचौर सिटी के अभी क्या हालात है, चक्रवाती तूफान के सांचौर में प्रवेश करने से पहले मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं सांचौर सिटी की तस्वीरें। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है ये सांचौर सिटी की है और सांचौर सिटी में पल पल से मौसम बदलता नजर आ रहा है। अभी जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है ये सांचौर सिटी की है और सांचौर सिटी में अभी धूल भरी दर्शक सांचौर सिटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि अभी विपरीत तूफान को लेकर सांचौर में कैसे हालात होंगे। तो सांचौर के हालात की बात करें तो अभी धूल भरी आंधी के गुब्बारे चल रहे हैं और कभी धूप निकलती है और कभी बादलों की वजह से साया हो जाती है और थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी एकदम पल पल में मौसम बदलता नजर आ रहा है। लेकिन तमाम दर्शकों से अपील है कि आप चक्रवात के समय अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने पशुओं को बाड़े में खुले छोड़ दें और लाइट की तारों के नीचे खड़े नहीं रहें और चक्रवात के समय वाहन भी न चलाएं, अपने घरों में सुरक्षित ही रहें। तमाम दर्शक मेरे फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े रहें और आप इसको फॉलो भी जरूर कीजिएगा। मैं चक्रवात को लेकर आपको दिखाऊंगा पल पल की खबरें। लेकिन और मैं अभी आपको सांचौर सिटी का दृश्य दिखा देता हूं। सांचौर सिटी का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो दर्शक जो सांचौर सिटी के रहने वाले और बाहर रह रहे हैं, बाहर निवास कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, तो आप सांचौर सिटी के एरिया को देखिए। और सांचौर सिटी के एरिया की बात करें तो अभी मौसम में बदलता नजर आ रहा है, मौसम में बदलाव होता नजर आ रहा है। सांचौर में भी अब चक्रवात की चक्रवात को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। अधिकारी चक्रवात को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रचार कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं और तमाम ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की बात करें या ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारी या सरपंचगण की बात करें तो जिला कलेक्टर के निर्देशन में अलग अलग जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि चक्रवात के समय लोग अपने घरों में ही रहे, अपने पशुओं को बाड़े में खुले छोड़ दे। तमाम प्रकार की जानकारियों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक कीजिएगा, अपने कच्चे घरों में नहीं रहे, पक्के घरों में रहे, तूफान के समय जागरूक रहें और अलर्ट मोड पे रहें। आपके मोबाइल और जो चार्जेबल ऐसे उपकरण हैं उनको चार्ज करके रखिएगा। अभी जो मैं आपको दर्शे दिखा रहा हूँ ये सांचौर सिटी के आडिता रोड की तरफ का है। चक्रवाती तूफान से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने के लिए आप मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे ही चक्रवात गुजरात से टकराएगा और राजस्थान में प्रवेश करेगा तब से लेकर अभी से लेकर जब तक चक्रवात का प्रकोप रहेगा मैं पल पल की खबरें आप तक साझा करता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिएगा। ओम प्रकाश चौधरी सांचौर।